नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात मेरे साथियों। आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रेयांश क्लासेस लर्न एंड सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका मित्र सुमंत कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते दिनों यानी कि 26 दिसंबर को आपने बिहार एसआई का एग्ज़ाम दिया है और आप सबों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता होगी ये जानने को कि क्या हम आने वाले यानी कि मेंस देने के लिए सेफ हैं, क्या हम क्वालिफाई करेंगे या फिर मुझे फिर से बाहर होना होगा। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैंने दो दिन के एनालिसिस करने के बाद यानी कि 26 तारीख को एग्जाम था और 27 और 28 को मैंने हर माध्यमों से, चाहे वह टेलीग्राम चैनल हो, चाहे वो मेरे दोस्त हों, चाहे वो मेरे साथी हों, उन तमाम लोगों के यानी कि लगभग 20 से 30 हज़ार बच्चों के जो अनुमान के बाद मैंने आपको सबसे सटीक और सबसे सही कट ऑफ बताने आया हूँ। तो मेरे साथियों, आपकी जो सटीक जो एसआई की जो कट ऑफ का इंतजार हुआ, आज आपको खत्म हो रहा है। आपका साथी सुमंत कुमार, आपका दोस्त सुमंत कुमार आज आपको एसआई कट ऑफ बताने जा रहा है। तो इसे ध्यान से देखिए, अगर पसंद आए मेरी वीडियो तभी इसे लाइक और शेयर करना, नहीं तो नहीं करना, क्योंकि मैं आपको जो बताने वाला हूँ जेन्युइन कट ऑफ है। क्योंकि मैं सिर्फ एक आपका दोस्त ही नहीं, मैं एक शिक्षक और मैं एक दरोगा अभ्यर्थी रह चुका हूँ और मुझे उसके बारे में पता है कि कितनी कट ऑफ जाएंगी और कितनी नहीं जाएंगी। अगर मैं जो बता रहा हूँ अगर उतना आपने बनाया है तो आप बिल्कुल ही सेफ रहिए और आपको थोड़ी सी भी घबराने की जरूरत नहीं, आप आराम से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि इस बार का जो पेपर का माध्यम था दोस्तों, यानी कि इस बार की जो पेपर जो थी इजी टू टफ थी। अरे कुछ सवाल इजी भी थे तो कुछ बहुत टफ भी थे, है ना? कुछ सवाल बहुत इजी थे तो कुछ बहुत टफ भी थे, है ना? यानी कि बच्चों में पता है मुझे कि बहुत रोष है इसको लेकर कि सरकार जो है हमारे सिलेबस को देखते हुए प्रश्न पत्र नहीं बनाती है। सिलेबस क्या देती है, प्रश्न पत्र क्या देती है, तो ये तो उदास होना लाजमी है। लेकिन फिर भी अगर हमने इतने सवाल किए हैं तो आप जान सकते हैं, इतना जान लीजिए कि पिछली बार से कटक कम जाने वाला था। आपको चलिए चलते हैं, बताते हैं कि एनालाइज कराते हैं, ठीक है? हमने भी जस्ट बताया को कि अपने 20 से 30 हज़ार बच्चों के, है ना, उससे ज़्यादा ही बच्चों को मैंने पोल करवाया, उसके बाद मैंने एक कटक आपके पास लेकर आया हूँ, ठीक है ना? तो चलो देख लो। तो तुम्हें हम 2021 का है, 2018 का था उसमें आपने देखा होगा, 2018 का जिसमें है जनरल ओबीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस और ईबीसी एससी एसटी, तो आपने देखा होगा एक मोटा मोटी यानी कि जनरल जो था 133 था, ठीक है, ओबीसी 125 था और ईडब्ल्यूएस 118 था, 17 पॉइंट समथिंग था, है ना? ईबीएस का वही 115 और एससी एसटी का लगभग 100 के आसपास था, ठीक है ना? आपने एक अटक देखा होगा। लेकिन पिछले बार के प्रश्न पत्र और इस बार के प्रश्न पत्र में काफ़ी अंतर थे। पिछली बार लगभग लगभग सवाल ठीक ठाक थे, यानी कि जिसने करंट अच्छे से पढ़ा होगा, जिसने साइंस अच्छे से पढ़ी होगी, उसने क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन इस बार जो थे यानी कि जो जनरल ट्रेंड से हटकर सवाल थे, यानी कि जनरल सवाल जो पूछे जाते थे उसे कहीं, है ना, गहराई में पूछे गए सवाल थे। जैसे हमने अभी तक बच्चे बहुत ज़्यादा जानते थे, बहुत अच्छे ज़्यादा पढ़ते थे, तो जैसे सवाल था कि जो फूड प्रिजर्वेशन में कौन सा जो है
रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो लगभग सोडियम बेंजोएट ज्यादा था इस बार, सोडियम मीटा बाइसल्फाइड, तो तरह तरह के नाम थे। तो बच्चों के सब सवाल जो थे टिपिकल डिफिकल्ट थे, दर्शन शास्त्र से सवाल थे, सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र से सवाल थे। तो ये बहुत ही है ना, लेकिन कुछ सवाल ऐसे आसान भी थे जैसे सबसे बेस्ट ना है ना, ऐसे कुछ सवाल थे, लेकिन हम उसको लेके चलेंगे, हम एवरेज लेके चलेंगे ना। तो आप एवरेज लेकर चलिएगा तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आप कहने का मतलब है हाँ आज इसमें कटअप मतलब है, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रहे कितना सही किए हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो अगर आप 63 से 65 नंबर लाते हो तो आप बिल्कुल ही सेफ है, यानी कि 65 मैक्सिमम मार्क्स मैंने बताया, 65 मैक्सिमम मार्क है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी हो जाएगा 60 से 62, इतना कन्फर्म रहेगा। अगर नहीं होगा कि आपने इतना बनाए हैं नहीं आएगा तो आपके चैनल पे डिसलाइक्स की ढेर लगा देगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कटअप लगभग समान रहने वाला है इस बार, पिछली बार जैसा नहीं होगा है ना, इस बार जो है दोनों का कटअप जो है समान रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार जैसे वैकेंसी जो थी 2018 की वैकेंसी थी, 2018 में ईडब्ल्यूएस पहली बार बना था और उसमें बहुत सारे कम बच्चे ने बनाया था, इस बार बहुत सारे बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस है, तो इनका भी मैं कटअप उतना ही लेकर चलता हूँ जो ओबीसी का है 60 से 62। ईबीसी जो है ये 55 से 58 तक होगा और एससीएसटी जो है 50 से 52 से 55 तक है ना, 52 से 55 तक जो है एक कटा फिरका रहने वाला है। और लड़कियों की तो मैं बात ही नहीं करूँ, क्योंकि लड़कियों को सबको पता है कि लड़कियां अगर 45+ गर्ल्स है कि गर्ल्स जो है 45+ मार्क्स लाए हैं तो हमेशा से, क्योंकि लड़कियों की तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि लड़कियों के पास लड़कियों को पता है कितना आपका परसेंटेज था, एग्जाम हॉल में गए होंगे, बैठे होंगे, देखा होगा लड़कियां कितनी कम होती हैं। तो ये मेरे कटअप्स हैं बिहार एसआई 2021 के कटअप्स हैं, अगर इससे कम जाती है तो आप मेरे चैनल में डिसलाइक का ढेर लगा दीजिएगा, मैं उसे देख लूँ। और अगर आपको लगता है आप मेरे साथ सहमत हैं कि कटअप ही जाएगी तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को तभी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है साथियों, तो आज आपका दोस्त आपका साथी अब आपसे इजाज़त चाहता है और बस इतना है, तो आप तैयारी में लग जाइए क्योंकि जुनून और दरवा के दो सितारे यहाँ जरूर लगेंगे आपके पास अगर आपने मेहनत की है, बता रहे हैं तो आपको इतनी से घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है साथियों, तो आज बस इतना ही, जय हिंद।